आ जाओ आ जाओ आ जाओ एंड हेयर वी गो, तुमने से कोई नया बच सकेगा। हे गाइस वेलकम बैक टू, आज मैं तुम्हें गेंगार का एक बहुत ही ऑसम बिल्ड दिखाने वाला हूँ, जिससे जो तुम्हारा गेंगार है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंड यार आज मैं जो गेंगार के मूव्स इस्तेमाल करूँगा, अगर तुम उसे एक कॉम्बो से इस्तेमाल करो तो फिर बहुत ही ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। सो या तुम्हें वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, सो वीडियो के साथ बने रहना एंड हेयर वी गो। एंड यार मेरी टीम सीरियसली बहुत घटिया ही है, बस एक एक्सपर्ट का बंदा है एंड बाकी सारे के सारे बिगनर्स है। आई होप ये मेरे को फार्म करने दे, क्योंकि दो स्पीडस्टर तो वैसे ही हमारी टीम में आ रखे हैं, तो फिर देखते हैं अगर ये मेरे को फार्म करने दे तो। एंड आई थिंक ये मेरे को फार्म करने देगी, क्योंकि तीन बंदे ऊपर गए हैं एंड एक बंदा नीचे गया है। देखो यार जब भी तुम ऐसे अपने अगर दोस्तों के साथ खेलो ना, तो फिर यार ये हमेशा याद रखना कि दो बंदे ऊपर जाए, दो बंदे नीचे जाए एंड एक बंदा जो कि स्पीडस्टर लेगा वो हमेशा जंगल करे, ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। एंड जो मैं आइटम्स आज यूज़ करने जा रहा हूँ वो है, हाँ मैं तुम्हें आइटम्स बता रहा था तो फिर यार अभी बीच में पता नहीं रिकॉर्डिंग सी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में तुम्हें बताया था, बट यार तुम लोगों को नहीं पता चला होगा तो मैं तुम्हें दोबारा बता दूँ। एक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल बैंड, शेल बेल एंड साथ ही साथ अपने वाइस क्लासेस, क्योंकि यार जो गेंगार होता है उसका जो स्पेशल अटैक होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता, तो फिर इसलिए मैंने इस बिल्ड में ज़्यादातर स्पेशल अटैक पे ज़्यादा फोकस रखते हुए कि मैंने गौर दिया है। एंड इस यार देखो इस ग्रुप को हमेशा ज़रूर लिया करो, यहाँ पे चार्मेंडर एंड वो वाला गेंगार भी आ चुके हैं, बट हमारा यहाँ पे ये गिलहरी भी आ चुकी है एंड भाई ये गिलहरी बहुत ओपी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गिलहरी बहुत ओपी है। अभी इसका एक नर्फ आया है जिसके कारण ये थोड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार नहीं तो ये इतनी ओपी थी ना, इतनी पावरफुल थी कि भाई हमें बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता था अगर ये दूसरे अपोनेंट टीम में आ जाए तो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन दोनों अटैक्स को तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ताकि तुम्हें एक एडवांटेज मिल सके, जिस एडवांटेज के बारे में मैं तुम्हें पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था। तो फिर यार देखो जब भी तुम स्लज बॉम्ब एंड हेक्स अटैक को एक साथ इस्तेमाल करो ना, तो फिर पहले याद रखना पहले स्लज बॉम्ब एंड देन हेक्स अटैक, देखो ये इंस्टेंटली नहीं तो फिर ना रीफिल होते रहेगा, यानी कि एक एक सेकंड में ये रीफिल होता रहेगा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैंने इस पे मारा एंड ये देखो हेक्स अटैक दोबारा रीफिल हो गया ना। एंड देखो यार हेक्स अटैक जो है ना वो एक तो तुम्हारी यार एचपी भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ अपोनेंट की स्पीड भी स्लो करेगा और उसको डैमेज भी पहुँचाएगा, तो फिर ये हेक्स अटैक बहुत ही ऑसम होता है। एंड देखो सिर्फ और सिर्फ स्लज बॉम्ब पे ही काम नहीं करता ये हेक्स अटैक का ये कॉम्बो बार बार रीफिल होने वाला, ये साथ ही साथ देखो अगर पोकेमॉन जो है वो बर्न इफेक्ट उसने ले रखा है, यानी कि उसको बर्न इफेक्ट लग रखा है सिंड्रेस या फिर चारिजार्ड के कारण, तो फिर यार ये उस पर भी काम करेगा। तो फिर अगर तुम किसी और पोकेमोन पर ऐसे मारोगे जिसको बर्न इफेक्ट या फिर कोई सा भी पॉइजन इफेक्ट लग रखा है, तो फिर यार ये उन सब पे काम करेगा, तुम्हारा जो हेक्स अटैक है वो इंस्टेंटली भरते रहेगा। एंड ये देखा मैं कितनी जल्दी यार ये भर पा रहा था अटैक। एंड यार जिसने देखो ड्रेडनो ले लिया ना अभी वो 40% तो यार जीत ही जाएगा, तो फिर अभी मैं चुराऊंगा क्योंकि इस चार्मेलियन का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो फिर मैं अभी ये चुराऊंगा एंड या फिर ऐसा करते हैं इस चार्मेलियन को यार नॉकआउट ही कर देते हैं। आ जा भाई चार्मेलियन, बूम, देखो 1200 डैमेज, तो यार मेरे को ये कॉम्बो बहुत बढ़िया लगता है। तुम ड्रीम ईटर एंड शैडो बॉल का भी कॉम्बो इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कॉम्बो बहुत ऑसम होता है। ये देखो भाई 1400 डैमेज एंड ये गया, जब भी मैंने तुम्हें कहा कि यार देखो तुम शेल बेल एंड वाइस ग्लासेस इस्तेमाल करना जिससे जो स्पेशल अटैक है तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड अगर तुम ये वाला फिर कॉम्बो इस्तेमाल करोगे स्लज बॉम्ब एंड हेक्स अटैक वाला, तो फिर यार बहुत ही ज़्यादा तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। इसलिए यार ये बिल्ड बहुत ही ऑसम है, तुम्हारे गेंगार को ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देगा। एंड हियर वी गो, जल्दी से अब हम इस रेडनो को लेते हैं, हमने ले लिया है, हमें शील्ड भी मिल गई है, 40 हमारे गोल भी हो चुके हैं। एंड यार हम ऊपर चलते हैं एक्चुअली, क्योंकि यार इस वाले ग्रुप को लेकर चलते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हमें लेवल अप की ज़रूरत है। देखो यार 11 लेवल के हम हो भी गए, जबकि बस अभी 5 मिनट भी नहीं बीते, देखो 5 मिनट से कम में हम 11 लेवल के हो गए, तो फिर यार इसलिए गेंगार का ये बिल्ड बहुत ऑसम है ये वाला। अगर तुम इन आइटम्स को इस्तेमाल करते हो एंड इन मूव्स को इन तरीके से कॉम्बो से इस्तेमाल करते हो तो फिर बहुत ही बढ़िया रहता है, तुम बहुत ही जल्दी लेवल अप हो सकते हो। एंड यार देखो मैं लेवल अप होने पर इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लेवल अप हो गए उतना ज़्यादा देखो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा स्पेशल अटैक तो बहुत ज़्यादा अप हो ही रखा है मेरे इस बिल्ड के कारण, मेरे जो मैंने आइटम्स ले रखे हैं उसके कारण। एंड साथ ही साथ तुम स्लज बॉम्ब मारोगे फिर हेक्स मारोगे तो फिर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। आ जा चार्मेलियन, कहाँ जा रहे भाई बड़ी, यू आर गॉन मैन। चार्मेलियन ने सोचा ये भाई गेंगार कहाँ से आ गया भाई, अचानक से कहाँ से आ गया, मैं तो अपने मस्त के साथ जा रहा था ये कहाँ से आ गया भाई अचानक से।
इसने तो बहुत बड़ा झटका दे दिया। एंड जल्दी से इस ग्रुप को लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा हमेशा इस ग्रुप को लिया करो। वो वाला गेंगर भी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड हेयर वी गो, तुम में से कोई ना बच सकेगा। एक्चुअली मैं गया क्योंकि ये चार आ गए हैं, इस गेंगर को तो मार दिया। जल्दी से गोल गेटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड भाई डालते 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 नहीं डालते ये गेटर, बट नो वरीज यार, देखो उन्होंने पूरा गैंग अप कर लिया था। चार वन वर्सेस हम फोर कर रहे थे, फिर भी हमने दो पॉक्समोन को मार दिया और उस टीम के गेंगार को भी मार दिया, क्योंकि आई डोंट नो, उसे शायद ये वाला कॉम्बो नहीं पता। ये वाला कॉम्बो एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता, तो फिर यार अगर तुम्हें भी नहीं पता था तो, और आज तुम्हें ये कॉम्बो अगर अभी मेरी वीडियो से ही पता चला है, तो फिर यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एंड यार चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड यार मेरे को कॉमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये कॉम्बो कैसा लगा, क्योंकि यार ड्रीम ईटर एंड शैडो बॉल वाला भी कॉम्बो होता है, बहुतों को वो वाला भी कॉम्बो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर तुम्हें वो वाला कॉम्बो नहीं पता ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा यार, एंड मैंने प्लान भी कर रखा है, मैं वो अभी जल्दी से जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। ये देखो भाई 1500 डैमेज, एंड ये वाला गया हमारा भाई, इसने यूनिट मूव इस्तेमाल कर रखा है, फिर भी ये जाएगा भाई, ये जाएगा, वेट थोड़ी एच पी रीगेन करते हैं। हाँ भाग जा भाई गेंगा, देखो इसने यूनिट मूव इस्तेमाल कर रखा था, फिर भी मेरे को नहीं मार पाया, देखा फिर भी नहीं मार पाया। हम कितने ओपी बन चुके हैं इस बिल्ड के कारण, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार इस बिल्ड का जरूर से इस्तेमाल करना, एंड हमने इस गेंगार को मार दिया। ओ भाई इसने सुला दिया है हमें स्नोलैक्स ने, बट नो वरीज अपना ये बिल्ड ओपी है, कोई हमें नहीं मार सकता इस बिल्ड से। एंड हेयर वी गो, हमारी टीम ने दोबारा से ले लिया है ड्रेडनो को, एंड गया ये चारिज़ार्ड। अब एल्जिकॉस देखो तो मेरी टीम ही मार देगी, इतने में जल्दी से गोल करके आते हैं। एंड यार देखो अब भाई यहाँ पे पांचों के पांचों लोग हैं, इसलिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा यार, क्योंकि ऊपर कोई डिफेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि देखो अब सारे के सारे अभी नीचे है ना, तो फिर ऊपर तो फिर एनिमी टीम के लोग ना आराम से ऊपर आके हमारे बेस को मार सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर डिफेंड कर रहा हूँ। एंड यार नीचे भी कोई नहीं है, सारी की सारी टीम उधर जा रखी है, बट नो वरीज हम ऊपर वाले को तो गोल को तो डिफेंड कर ही देंगे। आ जाए उसने कर ही दिया यार, बट नो वरीज इस गेंगार को जल्दी से निपटा दे। भाई तूने गोल कैसे कर दिया मेरे शक्ते हुए। हाँ अब चलते हैं, अब देखो यार अगर ऐसी सिचुएशन में तुम जैपडोस लेने की कोशिश करते हो कि तुम ऑलरेडी जीत रहे हो एंड फिर भी तुम जैपडोस ले रहे हो, तो फिर यार तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। ऐसे तुम ना उन दूसरे पॉकमोनों को, एनिमी टीम के पॉकमोनों को स्टील करने का मौका दे देते हो, कि भाई वो आराम से स्टील करके फिर पूरी गेम पलट सकती है, तो फिर यार ऐसा बिल्कुल मत करना। एंड आई थिंक हमारे यहाँ पे भी करने वाले ऐसे लोग, इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अब ध्यान सा देता हूँ, इसे डिफेंड करता हूँ। भाई यहाँ पे ये एप्सोल लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है, भाई मरो भाई मरो, डिफेंड करना पड़ेगा भाई। आ जाओ भाई इधर आ जाओ भाई, लोग आ गए आ गया, टैलेंट फ्लेम आ गई है, एंड हमारी ग्रीडेंट भी आ गई है। भाई इसे स्टील मत करने देना प्लीज, मार दो एल्जिकॉस मार दो। नाइस ग्रीडेंट अपना ग्रीड मूव भी यूज़ कर दिया, ग्रीडेंट खत्म कर दे यार, जब उसको खत्म कर दे, क्या कर रही है तू, यूनिट मूव इस्तेमाल कर रखा है उसका, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही थी। देखो यार ऐसे नूब बंदे आते हैं सीरियसली मेरे मैचेस में, हर बार ऐसे नूब बंदे आते हैं, एंड इसी वजह से यार मैं मोस्टली मैचेस ऐसे हार जाता हूँ, बट नो वरीज यहाँ पे भाई बहुत भसड़ मची हुई है। एंड हम गोल करने नहीं जा रहे क्योंकि भाई हम वहाँ पे इतने पहुँचेंगे, इतने ये लोग यहाँ पे आके गोल कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं एंड वेट करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई गोल करने आएगा तो फिर हम उनके ऊपर कूद रहेंगे एंड वो स्टन हो जाएंगे और हम उन्हें मार देंगे, तो फिर यार ऐसे वेट कर लिया करो। देखो अब हम जीत रहे थे तो फिर मैंने सरेंडर ही कर दिया उन टीम ने, तो फिर मैंने जो जैपडोस को लेने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मैं जैपडोस को डिफेंड कर रहा था कि वो लोग जैपडोस को ले ना ले, ठीक है, तो फिर यार तुम भी ऐसा करना। एंड यार अगर तुम्हें ये बिल्ड पसंद आया हो तो फिर यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, एंड हेयर वी गो, MVP हर बार की तरह हम ही बने हैं, तो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।